मैं पूजा बंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, धारदार हथियारों से वार कर एक युवक को किया घायल, अवैध हथियार सहित एक गिरफ्तार। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे, पानी भरे जाने से वाहन चालक परेशान। फसल बीमा कंपनी की मनमानी से किसान परेशान। रामदेवरा के लिए रवाना हुआ पैदल यात्रा संघ, भक्ति की बायार में के बीच बह रहे झरने। कांसा में केसरिया हिंदू वाहिनी ने लगाए 11 सफारे। छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित, एनडीआरएफ की टीम ने सिखाए आपदा से निपटने के गुर। बाढ़ पीड़ितों को किया बेडशीट का वितरण, चार और नए ट्यूबवेल स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। धारदार हथियारों से वार कर युवक को किया घायल। जालौर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जालौर कोतवाली पुलिस में उस वक्त हड़कंप मच गई जब जालौर निकटवर्ती विशनगढ़ रोड पर घायल अवस्था में पड़े एक युवक की जानकारी प्राप्त हुई। बताया जा रहा है कि मोकसर निवासी प्रिंस पुत्र मोहनलाल जाति सैन, उम्र लगभग 24 वर्ष, युवक को किसी अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से वार कर घायल कर दिया, जिससे कि उसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथों में गहरी चोट आई। जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर जांच कर घायल युवक को जालौर राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों सहित नर्सिंग स्टाफ द्वारा उपचार कर हालत गंभीर होने के कारण आगे रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार युवक बोलने की हालत में नहीं है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैध हथियार सहित एक गिरफ्तार। जालौर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष के निर्देश में अवैध हथियार तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बाबुड़ा क्षेत्र में 20 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक युवक खातों में अग्नि अस्त्र के लिए हुए गानों पर नाचते हुए एक वीडियो वायरल होने पर मुखबिर की सूचना पर युवक की पहचान यशपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह राजपूत निवासी बाबुड़ा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी हनुमंत सिंह मय जाप्ता युक्त युवक की तलाश करते हुए शिंदरी रोड पहुंचकर यशपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह उम्र 23 वर्ष को दस्तायाब कर उसकी तलाश ली गई, तो पैंट की दाहिनी जेब में रखी एक अवैध देसी कट्टा को बरामद कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे, पानी बढ़ जाने से वाहन चालक परेशान। बड़गाम से विक्रम लखारा की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले अतिवृष्टि के दौरान सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इसके साथ ही बारिश ने गुणवत्ता की पोल भी खोल दी। सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ ही बारिश के दौरान पानी भरा होने के कारण इन गड्ढों में कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हुए। लंबे इंतजार के बाद सड़कों पर पड़े गड्ढों को पीडब्ल्यूडी विभाग ठीक नहीं करा पाए। जिले में हुई बारिश ने जहां लोगों को खासी राहत दी, वही भरपूर बारिश से एक तकलीफ लोगों को यह हो गई है कि शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। यह गड्ढे भी इतने खतरनाक हैं कि बारिश का पानी भरा होने पर कई वाहन चालक इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। पानी भरा होने पर गड्ढे होने या न होने का पता ही नहीं चल पा रहा था और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। इससे कुछ लोग जहां खुद को चोटिल हुए तो कुछ के वाहन टूट फूट गए। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जालौर दौरे के दौरान बड़गांव की जनता ने ज्ञापन देकर बताया कि 2017 में अतिवृष्टि में बड़गांव से मंडार व बड़गांव से धामसिंह धानोल व गुजरात को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर जगह जगह खड्डे पड़ गए, जिससे आम जन परेशान है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग व जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे दुपहिया व चार पहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने जालौर जिले के दौरे के दौरान बताया कि अधिकारियों की मीटिंग लेकर इस बारे में आदेश देंगे और सड़कों पर बड़े गड्ढे को भरा दिया जाएगा, लेकिन आज तक गड्ढे भरे नहीं पाए, जिससे वाहन चालक हर रोज चोटिल हो रहे हैं। फसल बीमा कंपनी की मनमानी से किसान परेशान। मोद्रान से जगमाल सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार जिले के मोद्रान गाँव के किसानों को पिछले 3 साल से फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। हर वर्ष फसल बीमा योजना के तहत हजारों किसानों को केसीसी खातों के तहत फसल बीमा का प्रीमियम भरा गया है। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत हजारों का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है,
फिर भी जालौर जिले के मोदरान गांव के किसानों को पिछले 3 साल से फसल बीमा योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। किसानों के केसीसी खातों से फसलें बीमे के पैसे काटे जा रहे हैं। किसानों ने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से इस मामले की समस्या का समाधान करके दोषी बीमा कंपनी पर कार्रवाई करते हुए किसानों को उनकी फसल खराब का मुआवजा देने की मांग की। कामदेवरा के लिए रवाना हुआ पैदल यात्रा संघ। साचौर से नरेश खिलेरी की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के लियाद्रा गांव स्थित हनुमान जी व जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण से मंगलवार सवेरे प्रवासी युवाओं का कामदेवरा संघ रवाना हुआ। संघ के सचिव सुनील रामाणी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रवासी युवाओं का संघ रामदेवरा के लिए रवाना हुआ। वही सचिव रामाणी ने बताया कि संघ ने करीब 15 से 20 युवा बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए रवाना हुए, जो 5 से 7 दिनों में रामदेवरा पहुंच जाएंगे। इस मौके रूपा राम पूनिया, सुरेश साहू, सुखराम सियाक, नरेश व राजू राम सहित कई पैदल यात्री व ग्रामीण मौजूद थे। पोसाड़ा सियावट से सत्तार खान की रिपोर्ट के अनुसार बेगलवा कस्बे से रामदेवरा के लिए पैदल जत्था रवाना हुआ। जत्था नरेश देवासी के अगुवाई में चामुंडा माताजी मंदिर से रवाना हुआ। जत्थे में नरेंद्र राज पुरोहित, भरत सोलंकी, विमल के सोलंकी, उत्तम देवासी, भगवान देवासी सहित कई भक्त जन मौजूद थे। इसी प्रकार तवाव से विक्रम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय गाँव तवाव से रामदेवरा पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। जत्थे को जोराराम देवासी, निसार चौहान, विक्रम, ओम सिंह, तेजाराम चौधरी, दलपत माली ने स्वागत कर रवाना किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शानदार सुनहरा मौका शिवम मार्केट लाए हैं प्राइम लोकेशन पर शानदार व्यवसायिक भूखंड मात्र 1,25,000 रुपए में। 12x40 की शानदार दुकानों के लिए भूखंड 40 फीट चौड़े रास्ते के साथ दुकानों के पीछे 6 फीट की खाली जगह। व्यवसाय भूखंडों का प्लान धवला मेन रोड थर्ड फेज रिको इंडस्ट्रीज एरिया रोड पर। एवं भूखंड खरीदने के लिए संपर्क करें मोहन चिवड़ा, मोबाइल नंबर 9460290995, 9983135895। शिवम मार्केट थर्ड फेज रिको इंडस्ट्रीज एरिया के पीछे दबला रोड जालौर राजस्थान। भक्ति की बयार के बीच बह रहे झरने। जसनपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिले के कश्मीर कहे जाने वाले जसनपुरा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में जमाझम बारिश के बाद झरने पूरे स्वभाव पर है। क्षेत्र में छाई हरियाली ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया है। कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खोड़ेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों में बहते झरने में नहाने का आनंद लेने के लिए जिले सहित गुजरात राज्य के लोग पहुंच रहे हैं। इस मंदिर परिसर की खूबसूरती, प्रकृति, छटा, ऐतिहासिकता और पवित्रता लोगों को एक के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। यह इलाका राज्य के भालू अभयारण्य एवं संरक्षण क्षेत्र के अधीन आने के कारण वन विभाग द्वारा भी इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। रांसा में केसरिया हिंदू वाहिनी ने लगाए 1100 पौधे। मोद्रा से जगमान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार रांसा के केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन के तत्वाधान में राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार बागड़िया, जालौर जिला प्रमुख कुलदीप सिंह के नेतृत्व में धानसा व आसपास के क्षेत्र में 1100 पौधे लगवाए। जिले के पूरी कार्यकारिणी केसरिया हिंदू वाहिनी के केडी ग्रुप ने आज गांव में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे नेक कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। जालौर जिला प्रमुख कुलदीप सिंह, जसनपुरा तहसील अध्यक्ष विक्रम भाई, पप्सा राठौर अध्यक्ष, चेनाराम गर्ग उपाध्यक्ष, दीप सिंह राठौर विधि सलाहकार, रमेश भाई तीर्ग सलाहकार मंत्री सहित कई सदस्य ने पूरे जालौर में वृक्षारोपण किया और लोगों से पौधारोपण करने का आह्वान किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। जालौर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती दवला रोड पर स्थित बीर समाज छात्रावास में
छात्र संघ चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष मनोहर लाल राणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राणा ने आगामी 27 अगस्त को राजकीय वीर महावीरमदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के चुनाव की रणनीति तय करते हुए समाज के छात्रों एकजुट होकर तैयारी करने की बात कही। उन्होंने समाज के छात्रों को मत व समर्थन देकर भारी मतों से जीतने की अपील की। इस मौके मदन लाल, किशन लाल, अरविंद, उत्तम, नरपत कुमार सहित कई छात्र मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम ने सिखाए आपदा से निपटने के गुर। जालौर से उजिर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार एनडीआरएफ के राकेश सिंह व उपक्रमांक के प्रवेशक अमर सिंह के निर्देशानुसार 30 सदस्यों ने टीम कमांडर सुरेश कुमार गुर्जर्स के नेतृत्व में रॉयल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को आपदा के बचाव के तरीके, बाढ़, अतिवृष्टि, भूकंप इत्यादि से निपटने के गुर सिखाए। कार्यक्रम में पीसी स्वामी, एमआर उस्मानी सहित समस्त स्टाफ मौजूद थे। बाढ़ पीड़ितों को किया बेडशीट का वितरण। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में विजयवाड़ा होटल मालिक संघ द्वारा बाढ़ पीड़ित जरूरतमंदों में बेडशीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सचिव संजय मेहता जैन ने बताया कि पिछले दिनों आए कृष्णा नदी में बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर जाने से बाढ़ पीड़ितों में विजयवाड़ा नगर पालिका आयुक्त कृष्णा वेंकटेश एवं सह आयुक्त शकुंतला की अध्यक्षता में विजयवाड़ा होटल मालिक संघ द्वारा बेडशीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष रवि, सचिव संजय मेहता, पी रमना के मधु, राजकुमार सहित संघ के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद थे। चार और नए ट्यूबवेल स्वीकृत। सुंदर माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने बताया कि उनकी अनुशंसा पर रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जसनपुरा ब्लॉक के गाँव कारनू, अंबातरी, गोलाना व कोड़ी चंपा वतान में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार ने चार नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए हैं। देवल ने बताया कि पहले भी जलदाय मंत्री ने 9 ट्यूबवेल स्वीकृत किए थे और आज 4 नए ट्यूबवेल और स्वीकृत किए हैं। इसके लिए देवल ने जलदाय मंत्री का आभार किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।